हेलो एवरीवन, आई एम श्वेता कदम एंड वेलकम टू डे टू इन जर्मनी। सो आज मैं बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गई थी बिकॉज देर वॉज एन वेरी 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 क्रूशियल टास्क जो मुझे आज ख़त्म करना था, इसलिए मैं जल्दी उठ के फटाक से तैयार होके चली गई। और मैंने पहले तो अपना पोस्ट बॉक्स चेक किया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर लिविंग इन जर्मनी। यहाँ पे सब कुछ बाय पोस्ट होता है, तो एवरी डे जैसे आप ईमेल्स चेक करते हो वैसे आपको पोस्ट बॉक्स चेक करना है। तो मैं चली गई अपने डॉर्म के बाहर और सामने ही है हमारा ट्रैम स्टेशन, तो यहाँ से मैं पकड़ने वाली हूँ ट्रैम टू कंप्लीट माय सिटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है केमनिट्स सेंट्रल हाल्टेस्टेलन। इफ़ यू आर कमिंग टू केमनिट्स, दिस वीडियो विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल टू यू। तो पकड़ ली है मैंने अपनी ट्रैम और लिटरली सुबह कोई भी नहीं था मैं अकेली दिख रही थी मुझे ट्रैम में, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा था। मतलब बाहर एकदम मस्त चिल्ड था वेदर। तो मैं पहुंच गई सेंट्रम में और ये जो आपको सैटर्न मॉल दिख रहा है सामने वाला, इसको आपको पास करके आगे चले जाना है। वहाँ पे ही आपको दिखेगा एक ड्यूसेलडॉर्फ प्लैट्स, उसके अंदर ही सिटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। और अगर आपको वीज़ा एक्सटेंशन का प्रोसेस करवाना है या फिर रेसिडेंट परमिट चाहिए तो आपको यहीं पे आना पड़ेगा वापस से। तो हम चले यहाँ से सैटर्न मॉल को पास करते हुए और यहाँ पे जो व्यू था ना वो बहुत मस्त था। मतलब ये सारी कुर्सियाँ वगैरह ये उन्होंने ऐसे ही मतलब बाहर रख दी थी, एक्चुअली ये एक होटल है और तो लग तो नहीं रहा था लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था बाहर से। तो या मैं चली इसको पास करके, तो ये जो राइट साइड में है ना ये सैटर्न मॉल है, तो हम लोग को जाना था लेफ्ट में। आपको एक है ना ऐसा बोर्ड दिखेगा दैट इज़ ड्यूसेलडॉर्फ प्लैट्स करके जो मैंने दिखाया है यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग को जाना है लेफ्ट में। तो लेफ्ट में जाने के बाद आपको आइडिया आ ही जाएगा कि आपको कहाँ से अंदर जाना है। हम लोग को राइट साइड से अंदर जाना है, ये जो मैंने दिखाया है गेट, हाँ यहाँ से हम लोग को अंदर जाना है। तो यहाँ पे ना बाकी साइड में तो सारे शॉप्स ही हैं खाने के, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। फिर वहाँ पर जाने के बाद हम लोग को जाना है फर्स्ट फ्लोर में। Remember, you have to go on first floor for city registration. तो first floor पे आने के बाद आपको कुछ ऐसा view दिखेगा। So this is the office of city registration जो मैं बहुत पहले ही आ चुकी थी यहाँ पे और मेरा 5 मिनट में हो भी गया था सिटी रजिस्ट्रेशन। यू विल नॉट बिलीव दिस, लेकिन अगर आप जल्दी जाओगे तो आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। सो रिमेंबर दिस टेक्निक। उसके बाद मैं चली गई सेंट्रल में और फिर वहाँ से मैंने पकड़ी ट्रैम फॉर माय यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में मुझे एनरोलमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना था, उसके लिए मैं चली गई और वहाँ से मैंने उठाया अपना TUC कार्ड। दिस इज़ माय यूनिवर्सिटी। एंड जब मैं घर पे आ गई तो मैंने देखा कि मेरा राउटर आ चुका था जो मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था। तो यहाँ पे amazon.de चलता है, नॉट amazon.in। दैट आई रेड ऑल द इंस्ट्रक्शंस फॉर सेटिंग अप द राउटर बिकॉज दिस वाज आल्सो द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस सेटअप एंड ऑल। तो बहुत अच्छी कंडीशन में आया था ये राउटर और इसमें सारा इंस्टॉलेशन गाइड भी था, तो इतना कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं था मुझे। उसके बाद अगर आप डॉर्म में रह रहे हो तो एक प्रोसेस होता है जिससे कि आप अगर केमनिट्स में हो तो फ्री वाईफाई यूज़ कर सको। उसके बाद हो गई थी इवनिंग ये सब काम करते करते और मैंने बनाया अपने लिए एक मस्त स्ट्रॉबेरी जूस, क्योंकि मुझे इतना ही आता है तो मैंने उसके लिए लिए सारे स्ट्रॉबेरीज, उसमें डाली थोड़ी सी चीनी एंड देन उसको किया मैंने ग्राइंड ग्राइंड ग्राइंड। और हाँ, ये स्ट्रॉबेरीज़ मैं लेके आई थी सेंट्रम से, वहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स के शॉप होते हैं तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। इफ़ यू आर कमिंग टू केमनिट्स डोंट फॉरगेट टू विजिट द सेंट्रम सुपरमार्केट। ओके, तो ये हो गया है हमारा जूस रेडी और मैंने इसमें मिक्स कर दिया है थोड़ा सा दूध बिकॉज इट टेस्ट्स गुड। आई वॉज ऑल्सो हैप्पी बिकॉज स्ट्रॉबेरी जूस मैंने बहुत दिनों के बाद पिया था, तो मैंने इसको लगा दिया है अच्छे से ढक्कन और फिर मैंने इसको शेक करके मस्त इन्जॉय किया सनसेट के साथ। तो या इट टेस्ट्स रियली 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 गुड, बहुत अच्छा बना था। मतलब मैंने सारा का सारा पी लिया। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर कमिंग टू जर्मनी और केमनिट्स। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। बाई।